वैसो गाइस, आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लोअर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारे और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर आप लोगों को लगता है कि जो आज के डेट में कोई अच्छा काम कर रहा है, टॉपर बन गया, तो वो बहुत बड़ा कुछ काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आप लोगों की तरीके से ही काम कर रहा है, बस वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहा है जितना आप लोग काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आज कोई एक आंसर लिखना था आप लोगों को, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक पूरा प्रॉपर आंसर लिखा, आप लोगों ने क्या किया, या तो लिखा ही नहीं या फिर उस आंसर को थोड़ा यानी कि बस बेमन से लिख दिया और काम खत्म कर दिया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसको एक्सरसाइज करनी हो बिल्कुल जी जान लगाकर करेगा, एक्सरसाइज आप भी करोगे, पर लेकिन आप लोग क्या करोगे, ढीले ढाले मन से करोगे कि नहीं यार चलो कर लेते हैं बस, हाँ चलो आज का टाइम पूरा कर देते हैं। वो लेक्चर सुनेगा बिल्कुल दिल लगा के, आप लोग क्या बस हाँ लेक्चर आगे चलो खोल कर बैठ जाते हैं, टाइम तो पूरा करना ही है। ये होना चाहिए कि कम से कम हाँ लेक्चर सुन लिया, दिल को तसल्ली होनी चाहिए। वो प्रॉपर कॉपी और पेन लेके बैठेगा अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जो भी उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे वो उनको नोट करता हुआ चलेगा। लेकिन लेक्चर तो आप भी सुन रहे हैं, आप भी इतना ही टाइम दे रहे हैं, वो भी इतना टाइम दे रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए उसका, 5-7 मिनट आप लोगों से, क्योंकि चीजें नोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर कोई भी आज के डेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है ना, वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा आप लोगों से काम कर रहा है, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है कि उसने बिल्कुल पहाड़ तोड़कर बीच में से रास्ता निकाल दिया महाजी की तरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर यह चीजें समझाने का मतलब कि अगर आप लोग भी चाहे तो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में ला सकते हैं। जो भी डेली आप लोग कुछ काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिए। अच्छा आज इतना पढ़ लिया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं यार। अच्छा आज ना मैंने इतनी रनिंग कर ली, चलो थोड़ी सी और दौड़ लेते हैं यार, एक आधा और चक्कर ज्यादा ले आते हैं। आज ना पुशअप किए थे मैंने, आज मैं डेली ना 20 पुशअप करता था, एक करती थी, चलो आज 21 करते हैं यार। तो इस तरीके से थोड़ी 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 चीजें आप लोग अगर चेंज करते जाएंगे ना लाइफ में, तो आप लोगों को इतना बड़ा चेंज देखने को मिलेगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे उस पर्टिकुलर चेंज से। एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चे कई लंबे समय से बोल रहे थे कि सर द हिंदू की वीडियो का टाइम जो है वो फिक्स कर दीजिए, तो आप लोगों के सामने है द हिंदू की वीडियो का टाइम फिक्स हो गया है। अब डेली ये वीडियो जो है वो 7 बजे देखने को मिलेगी, और 7 बजे का मतलब 7 बजे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में, पहले हो सकती है बाद में कभी होगी अगर कोई दिक्कत ही आ गई तो, यानी कि कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, और माइक वाली भी प्रॉब्लम जो लग रही थी वो भी मैंने आप लोगों की दूर कर दी है। माइक में कई बार वॉइस नहीं आती थी, तो माइक भी थोड़ा पुराना हो गया था बेचारा, 3-4 साल हो गए चलते चलते, तो अभी मैंने एक नया माइक ऑर्डर कर दिया है, आज या कल में वो माइक भी आ जाएगा, और एक के मार्केट में एक सबसे बेहतरीन माइक आप लोग उसको बोल सकते हैं, शानदार वॉइस आएगी, बिल्कुल क्लैरिटी आएगी वॉइस की, सारा नॉइज जो है वो भी बिल्कुल कट डाउन कर देगा। तो ये एक काफी अच्छा माइक लगा मुझे, काफी मतलब खोजबीन करके ये माइक मैंने ऑर्डर किया है, तो जो प्रेजेंट माइक है उससे डबल आप लोग डबल क्या ट्रिपल गुना बेटर उसको बोल सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो बीच बीच में कई बार वॉइस नहीं आती थी, तो वो भी एक आप लोगों की अब दूर हो जाएगी, तो काफी सारी एक मोटी मोटी प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर अब तक 7 बजे क्यों नहीं लेकर आते, अब कहां से आ गया 7 बजे। देखिए यार क्या हो रहा था, अब तक मैं बेसिकली मैंने पैटर्न चेंज किया अपना, अब तक मैं क्या कर रहा था, अपना जो भी एक्सरसाइज वगैरह है रनिंग वगैरह है वो द हिंदू लाने से पहले कर रहा था, ठीक है। अब मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, अब पहले आप लोगों का ये न्यूज़पेपर आ जाया करेगा, उसके बाद में मेरी जो भी एक्सरसाइज वगैरह हुआ करेगी वो उसके बाद में मैंने रख दिए। कुछ रीजन चल रहा था, कुछ थोड़ी सी जिंदगी में होने के कि कुछ पैटर्न थे ऐसे, कुछ दिन को ब्रेक करना था, और ऊपर से यार थोड़ा सा एक कुछ बीमारी के चक्कर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम पड़ गई थी जिंदगी में जिसके चलते वो चीजें मुझे करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से चाहिए थी कि आप लोगों का जो न्यूज़पेपर था वो 8:30 बजे करीब आता था फिर, तो अब वो पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, जो एक ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोगों को जो न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा उसका एग्जैक्ट टाइम रहेगा 7 बजे, 7 बजे फिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप लोगों को किस टाइम देखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो 7 बजे न्यूज़पेपर आया करेगा इसके अंदर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करूंगा, जो भी 7 से 8 के बीच में जो आंसर दिया करेंगे उन्हीं के जो नाम है वो अगले दिन मैं वीडियो के एंड में बताया करूंगा। यानी कि आप लोगों को रिवीजन करना है अच्छे से ज्यादा कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का रिवीजन कराऊं, जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एक प्रॉपर वे में पूरी स्टडी एक प्लान लेकर आप लोगों को चलना है। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन देकर आप लोगों को चलनी है, वरना काफी ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मेरी साइड से फिक्स हो गया है, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये टाइम फिक्स है। आप लोगों की जो नैनो मैगजीन आती है PIB ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग न्यूज़पेपर की आर्टिकल, ये शाम को फिक्स हो गई है 9 बजे, ये एक दिन पहले आ जाती है, जो 4 बजे आती थी वो 9 बजे आ जाए करेगी। इसी के साथ में जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 7 बजे, इससे पहले ही मिल जाएगा, इससे बाद में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग डेली एंजॉय कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इनके सबके लिंक पोस्ट कर देता हूं, PDF आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठे मिल जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब कुछ अच्छे से एंजॉय करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आज एक की जगह 2 क्वेश्चन आप लोगे अटेम्प्ट कीजिए और शानदार डिस्कशन रहने वाला है।
देखता हूं कौन कौन क्वेश्चन के आंसर देता है। सही से आंसर दीजिएगा, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इनके आंसर बताऊंगा, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। तो पहला मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है ट्रिस्टन डाकुना। तो ये एक पर्टिकुलर आइलैंड है, ठीक है, तो ये एक द्वीप है, आप लोगों को ये बताना है कि कहां पर ये लोकेटेड है, इंडियन ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है या फिर आर्टिक ओशन में है। तो ये आंसर आप लोगों को देना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, यानी कि कई बार इंसानों को गलत तरीके से लेकर ला जाकर इधर उधर से भेज दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार यहाँ पर वुमेन की ट्रैफिकिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है कि औरतों को ले गया और उसको ले जाकर भेज दिया देह व्यापार के लिए, लोगों को कई बार बंधुआ मजदूर बनाकर रख लिया जाता है, खरीद कर लाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ना जो मूवी आई थी रिसेंटली अभी पद्मावत, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो उसको लाकर वो गुलाम देता है, वो अब बोलता है कि मेरे लिए क्या करोगे कि गर्दन काट दो, तो तुरंत गर्दन काट देता है वो, चचा जान क्या तोहफा दिया है हमको, आपका तोहफा कबूला है, ठीक है, तो वही वाला वो बेसिकली, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो हमारे संविधान में इसको रोकने की कोशिश की गई, ये बेसिकली फंडामेंटल जो राइट है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैंने पॉलिटिका आप लोगों का पूरा एक लेक्चर लिया था अलग से, ये जो आर्टिकल इसमें दो आर्टिकल थे 23 और 24, तो पूरा आप लोगों का कवर किया था मैंने अच्छे से डिटेल में। आप लोगों को ये बताना है इसका आंसर सही क्या है, ए में बोला गया है आर्टिकल 21, बी में बोला गया आर्टिकल 22, सी में बोला गया आर्टिकल 23 और डी में बोला गया आर्टिकल 24, ठीक है। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि 23 और 24 में से कोई एक है, तो ये तो नहीं है आंसर। अब 23 और 24 में से चलिए इनमें से आप लोग बता दीजिए, ठीक है, तो आप लोगों के सामने अच्छा मौका है आंसर देने का, तो सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछता हूं वीडियो के अंदर उनके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, जो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर चलिए। सबसे पहले अगर बात करें, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में काफी बड़ा फेरबदल कल किया गया, कैबिनेट रीसफल इसको बोलते हैं आप लोग, रीसफल का मतलब क्या है कि कुछ नए चेहरे लाए गए, कुछ को निकाला गया, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक परिवार में आप लोग मानिए एक परिवार में 6 मेंबर है, ठीक है, 6 मेंबर है पूरा परिवार है यहाँ पर, ये तो इस परिवार में जो 6 मेंबर हैं, इन 6 मेंबर में से मान लीजिए आप लोगों को देखने को मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इस 6 मेंबर में से कोई ऐसे होंगे 4 मेंबर जो डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मम्मी है, पापा है, ठीक है, मम्मी है, पापा है, उसके बाद में मम्मी और पापा के मम्मी पापा है, ठीक है, एक तरीके से आप लोग ले लेंगे, एक तरीके से यहाँ पर पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स के पेरेंट्स हो गए और बच्चे हो गए, ठीक है। अब कोई भी डिसीजन लेना है यहाँ पर वो इनको फाइनल करना है, यानी कि 4 मेंबर हैं जिनको फाइनल करना है आपस में डिस्कस करके, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब इन 4 में से भी 2 ऐसे होंगे जिनका डिसीजन बिल्कुल फाइनल माना जाएगा, ठीक है, जैसे पैट्रियरिकल सोसाइटी है, तो मान लीजिए बाबा और जो पापा है वो मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो उनका डिसीजन फाइनल हो गया, ठीक है। तो पैट्रियरिकल सोसाइटी में ऐसा ना कि पुरुषों की चलती है, तो समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, गलत तरीके से अदरवाइज मत लीजिएगा उसको। तो जब यहां पर बाबा और पापा आ गए, अब ये हो गए कैबिनेट, यानी कि एक तरीके से वो और ज्यादा सटीक एक पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे, उसके अलावा उनका डिसीजन जो रहेगा वो फाइनल रहेगा, कहने का मतलब यहां पर ही है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको रेगुलर मीट करना मुश्किल हो जाता है, पर कैबिनेट बिल्कुल एक होता है कि ना बिल्कुल ये यही डिसीजन लेंगे कि हाँ यही है बस जो कि फाइनल अथॉरिटी है, तो वो वाला कैबिनेट हो जाता है फिर। तो सारे सीनियर मिनिस्ट्रीज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो अभी कई सारे जो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो यहां पर अभी चेंज किए गए, कई सारों को तो बाहर निकाल के फेंका गया, जैसे कि हर्षवर्धन साहब, इनको तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि COVID-19 जिस तरीके से हमारे देश में देखने को मिला, तो ये बोला गया कि ये कंप्लीटली फेल हो गए हैं COVID-19 को टैकल करने के लिए, तो इनकी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री थी वो इनसे छीन ली गई है, तो इसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में है। रविशंकर प्रसाद जो है इनसे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री छिन गई है, जो प्रकाश जावड़ेकर साहब जो है इनकी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वगैरह थी वो इनसे छिन गई है, इसी के साथ में डेवी जो यहाँ पर ये सदानंद गौड़ा था मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर गई इनके हाथों से, इसी के साथ में थावर चंद गहलोत मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थे ये गए, इसी के साथ में जो पोखरियाल साहब जो है इनकी एजुकेशन भी छुल गई इनसे। आप लोग याद रखेगा जो आज की डेट में जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, इसको पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से आप लोग जानते थे, अब इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से आप लोग जानते हैं, तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे उस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करने के बाद में, तो ये थे रमेश पोखरियाल निशांक, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन जो है ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये कई सारे वो चेहरे हैं जो कि यहां पर निकाले गए हैं, ठीक है, इसी के साथ में आप कुछ और देख सकते हैं आप यहां पर, जैसे संतोष गंगवार, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर जो इंक्लूड किए गए हैं उनमें कुछ इंपोर्टेंट नाम याद रखेंगे, एक तो सबसे जो ज्यादा न्यूज में थे यहां पर ये थे
ये थे यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ये कांग्रेस छोड़कर यहां पर आए थे, ठीक है। तो यहां पर इनको जो है अभी फिलहाल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पकड़ा दी गई यहां पर, ये ठीक है, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इनको मिल गई है। इसी के साथ में यहां पर कई सारे और जो नाम है अभी यहां पर इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे कि यहां पर ये है यहां पर सर्बानंद सोनोवाल साहब, इनको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज यहां पर आ गया है। आप लोगों को ये बताना, इस मिनिस्ट्री का भी नाम चेंज किया गया था, अभी पहले इसका क्या नाम था, अभी क्या नाम था, चलिए बताइए। ये सारे वो क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के अंदर जो ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा पूछूंगा कि आप लोगों से मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, तो ये याद रखेगा। इसी के साथ में नारायण जो यहां पर तातू हैं, यानी कि तातू साहब जो हैं, इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिल गया है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर पशुपति कुमार जो यहां पर है, इनको यहां पर दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और जो यहां पर इंडस्ट्री है यहां पर ये इनको मिली है। इसी के साथ में कुछ और, जैसे कि अश्वनी साहब को यहां पर दे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अब यहां पर अश्वनी साहब के अंडर में आ गया है। इस तरीके से यहां पर अगर आप लोग देखें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो यहां पर ये वीरेंद्र साहब के अंडर में आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो कि हर्षवर्धन साहब के अंडर में थी, ठीक है, तो ये मनसुख मांडविया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में कोविड 19 के चलते, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली नीचे अगर बात करिए आप लोग, यहां पर ये फिशरी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ, ये है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, और यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, ठीक है। तो ये भी यहां पर दो पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनका नाम है मुरुगन और इनका नाम है यहां पर रूपाला, ठीक है। तो ये कुछ नाम चेंज किए गए, रटने नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिए रेगुलरली अगर आप लोग लेक्चर सुनेंगे तो याद अपने आप लोगों को हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलरली चीजें जो हैं वो यहां पर रिपीट होती रहेंगी किस मिनिस्ट्री ने क्या कर दी, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से भी सुन लेंगे चीजों को तो काफी चीजें आप लोग याद रख पाएंगे। कैबिनेट की कंपोजिशन में जो 12 है वो यहां पर शेड्यूल कास्ट से मिनिस्टर है, जो 8 है यहां पर ये यहां पर बेसिकली शेड्यूल ट्राइब से मिनिस्टर है, ओबीसी के 27 है, वुमेन भी यहां पर 11 है। इसी के साथ में फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो 4 इंक्लूड किए गए हैं, मिनिस्टर फ्रॉम 25 जो स्टेट्स हैं 25 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि आउट ऑफ 43 जो मिनिस्टर हैं यहां पर उनके द्वारा 36 के द्वारा भी नए फेसेस आप लोगों को देखने को मिले। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इतना बड़ा फेरबदल क्यों किया गया अभी प्रेजेंट टाइम पर। एक तो गुजरात के अंदर इलेक्शन देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी चल रही है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि सबसे बड़ा इलेक्शन माना जाता है देश का, जहां पर 80 सीट अकेली पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जिसने उत्तर प्रदेश पकड़ लिया वो इंसान जो है समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर चला गया। इसी के साथ में वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर अभी देखने को मिला है, तो वेस्ट बंगाल में अभी जो हाईएस्ट शेयर यहां पर निकल कर आया, 4 यहां पर 4 आप लोगों को देखने को मिलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज तक वेस्ट बंगाल से इतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निकलकर नहीं आए थे, तो यहां पर वेस्ट बंगाल में विश्वास बनाने के लिए यहां पर ये स्टेप उठाया गया। तो ये काफी बड़ा फेरबदल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चेहरे गए और कुछ चेहरे आए, तो बाकी तो आप लोगों को रिपीटेडली जो चीजें बताता रहूंगा वो आप डेली सुनते ही रहेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज है, यहां पर जज ने रेस्क्यू कर लिया है अपने आप को जो ममता बनर्जी जी का जो इलेक्शन पिटीशन थी उसको सुनने से, यानी कि एक तरीके से यहां पर जो इलेक्शन पिटीशन थी इन्होंने डाली अपना, जो ये इलेक्शन हार गई थी उसके लिए, तो उसके लिए इन्होंने जज ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है। देखिए नॉर्मली ऐसे कई सारे केसेस आप लोगों को भी रिसेंटली देखने को मिले होंगे जिसमें जज ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। यानी कि एक तो ये क्या क्या इसमें मुद्दे हो सकते हैं अगर आप लोगों से कोई पूछे, यानी किन किन मुद्दों पर जज जो है वो अपने आप को यहां से हटा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यह है कि जो जज है मान लीजिए उसने पहले वो हाईकोर्ट में था, उसने कोई डिसीजन दिया, अब कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और वो जज भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तो उसने डिसीजन दिया था उसी के डिसीजन के खिलाफ पिटीशन डाली गई, तो इसका मतलब यह कि ऑलरेडी उसने डिसीजन दे चुका है, तो अपने डिसीजन को तो गलत बताएगा नहीं, तो इसलिए उसको माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ये पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट है, तो वो अपने इंटरेस्ट में डिसीजन देगा, तो उसको वहां से हटा देना चाहिए उस पर्टिकुलर केस से। हालांकि कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कोई हटाएगा जज को, जज अपने आप ही हटेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई केस पहुंच गया किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और वो केस जो पहुंचा है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में है, उस कंपनी में उस जज के भी 2-4% शेयर हैं, अब वो अपनी कंपनी के फेवर में डिसीजन देगा, तो इसलिए यहां पर उसको कोशिश ये की जाती है इसको हटा दिया जाए। इसी के साथ में कई बार जो है यहां पर पिटीशन भी फाइल कर देते हैं यहां पर कि ये जो पर्टिकुलर जो जज है ये हमारे फेवर में नहीं जाएगा, एक तरीके से जज जो है ये एक तरीके से डिलीवर सही नहीं करेगा जजमेंट को, तो उस पर भी कई बार ऐसे डिसीजन आ जाते हैं। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सारा जो मुद्दा रहता है मुद्दा ये रहता है कि जज जो है वो खुद डिसाइड करता है कि उसको केस छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इसके लिए कोई भी फॉर्मल प्रोविजन नहीं है देश के अंदर, तो यहां पर जज अपने हिसाब से उस पोस्ट को छोड़ता है, तो ये खुद का डिसीजन रहता है जज का, इंडिपेंडेंट।
ये कुछ मुद्दे हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है सारी चीजें चलती रहती हैं, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है पी आर कुमार मंगलम, जो पी आर कुमार मंगलम थे ये हमारी कंट्री में पहले मिनिस्टर हुआ करते थे। इनकी जो वाइफ है किट्टी कुमार मंगलम, अब उनकी डेथ हो गई है, उनको मार दिया गया, दो इंसानों को अरेस्ट किया गया, तो उनके घर में ही उनको वहां पर मारा गया। तो आज के डेट में ये है दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन। तो यहां से आप लोग देखते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है आज के डेट में। तो ये इसके बारे में हल्की से हल्का सा एक मतलब ऐसे ही, बस कोई एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, पर हाँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वुमेन आज के डेट में इस पर्टिकुलर पोस्ट पर भी एक तरीके से सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आप लोगों से वुमेन की सुरक्षा के बारे में अगर लिखने के लिए मैं कुछ बोलूं, अगर आप लोगों को, हालांकि इसके बारे में बड़ा शानदार आर्टिकल है, एडिटोरियल सुनकर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पेट्रोल का जो प्राइस है दिल्ली के अंदर ये फिलहाल अभी जो है 100 के क्रॉस हो चुका है, तो इसके चलते भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और यहां पर जो फार्मर प्रोटेस्ट है उन्होंने बोला है कि जो फ्यूल बढ़ रहा है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डीजल का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो खेतों में जो भी काम किया जाता है वो ट्रैक्टर से किया जाता है और वो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा सारे डीजल पर चलते हैं, तो डीजल का प्राइस भी लगभग 90 रुपए पर लीटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते यहां पर ये अभी न्यूज में आ गया है, काफी दुखद घटना बोल सकते हैं। एक काफी लेजेंडरी आप लोग एक फिल्म पर्सनैलिटी थे हमारी कंट्री में, दिलीप कुमार साहब, अब हमारे बीच में नहीं रहे। मुगले आजम, देवदास, ये ऐसी मूवी है कि जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए पर, लेकिन ये मूवी जो है ये हमेशा लोगों के द्वारा देखी जाती रही है और देखी जाती रहेंगी। एक बात तो यार आप लोगों को माननी पड़ेगी, पुराने जो सॉन्ग होते हैं ना आज की डेट में भी अगर सुनने बैठोगे आप लोगों को एक सुकून मिलेगा, एक एवरग्रीन टाइप के सॉन्ग नहीं होते, कितना भी सुन लो। नए जो सॉन्ग है उनमें चीजें जो रहती हैं थोड़ा सा अफरा तफरी ज्यादा रहती है, एक दिमाग को शांति देने वाले नए सॉन्ग काफी कम आप लोगों को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है नहीं, टैलेंट है ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन हाँ फिर भी एक होता कि हाँ दिल को तसल्ली देने वाले सॉन्ग वो आप लोगों को पुराने ही देखने को मिलेंगे। आप लोगों को कैसे सॉन्ग पसंद है, पुराने या फिर नए, आप लोग किस तरीके के इंटरेस्ट रखते हैं सॉन्ग सुनने में? मुझे खैर दोनों ही पसंद है, पर लेकिन हाँ पुराने जो सॉन्ग होते हैं कुछ कुछ जो लंबे समय से एवरग्रीन सॉन्ग लगते हैं वो जिनको सुनने के बाद में लगता है कि हाँ कुछ है गाने के अंदर, ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद में कहानी खत्म हो गई भूल गए, उनको लंबे समय तक इंसान गुनगुनाता रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो सकता है, हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके चलते अभी हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप दी गई 6 पाकिस्तान के जो माइग्रेंट थे उनको दी गई। याद रखिएगा यहाँ पर ये पाकिस्तान के जो माइग्रेंट थे इनको बेसिकली सिंध प्रोविंस आए थे 1988 में, तो यहाँ पर ये लंबे समय तक हमारे देश में रहे, तो अब यहाँ पर आकर इनको जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर सिटीजनशिप दी गई है। बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा, हमारी कंट्री में जिस तरीके से कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमारी कंट्री के बेसिकली ऐसे कि जैसे कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्री है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर है तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर उनको बेसिकली सिटीजनशिप दी जाएगी, क्योंकि उनको वहां पर अत्याचार हो रहे हैं और वो वहां से अपनी जान बचाकर हमारे देश में आए हैं। तो यहाँ पर अभी उसी के तहत यहाँ पर इनको जो सिटीजनशिप हमारी कंट्री में दी जा रही है। कौन कौन है नॉर्मली इसमें? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो हमारे देश में आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं। बाकी यहां पर एक पर्टिकुलर अवार्ड है जिसको बोलते हैं YRS अचीवमेंट अवार्ड। तो YRS अचीवमेंट अवार्ड में दो अवार्ड हैं, एक तो लाइफ टाइम और एक है नॉर्मली YRS अचीवमेंट। तो लाइफ टाइम वाले में 10 लाख रुपीज और नॉर्मल वाले में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो यहां पर अभी सुरेंद्र जो है जो रिटायर्ड कार्टूनिस्ट है हिंदू के, तो उनको भी यहां पर ये अवार्ड दिया गया है इनके द्वारा। तो ज्यादा नहीं पर हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी आज के न्यूज़पेपर में कई जगह मैंने एक चीज नोटिस की कि यहां पर नंबर ऑफ जो केसेस हैं उसके बारे में जगह जगह बात की गई है कि फिर से केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों को पता है हम लोग जुलाई में बैठे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में बोला गया था कि थर्ड वेव आएगी। तो अगर हम लोग चीजों को नहीं सुधार पाए, प्रॉपर वे में टेस्ट नहीं कर पाए, लोगों को हम लोग प्रॉपर वे में मेडिसिन नहीं दे पाए, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये दिक्कत काफी बड़ी सामने निकल कर आ सकती है। तो अभी उसी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अभी अभी देखने को मिला उड़ीसा, आसाम और त्रिपुरा और सिक्किम के अंदर लार्ज स्केल पर बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पर केसेस भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और एक तरीके से यहाँ पर जो सर्ज होता है केसेस में फिर नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो टेस्टिंग फैसिलिटी को डायरेक्ट किया कि जल्दी से जल्दी चीजों को टेस्ट किया जाए और लोगों को जल्दी से जल्दी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए जिनकी रिक्वायरमेंट है चीजों को कंट्रोल करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करूंगा मैं आज आप लोगों से जो अफगानिस्तान के बारे में मुद्दा होगा, तो उसको काफी डिटेल में समझेंगे तालिबान के बारे में। बाकी यहां पर जो मुद्दा है ये है बेसिकली ईरान के बारे में। तो ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है आज के डेट में उनका नाम है यहां पर इब्राहिम रायसी। तो हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब हैं इनकी मिनिस्ट्री नहीं छीनी गई है, इनके पास में यही है, याद रखना, एस जयशंकर साहब, ठीक है। तो ये आज के डेट में ईरान में है, तो ईरान में इनके द्वारा कुछ बातें की जा रही है, नए जो लीडर चुनकर आए कैसे उनके साथ में मिलकर चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ईरान हमारे लिए आज की डेट में अगर आप लोग याद रखिए तो, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर
देखते हैं क्या चीजें आती है निकलकर। बाकी ये भी इंटरनेशनल पेज पर थी न्यूज, यहाँ पर श्रीलंका जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है तो वो चाइना को अप्रिशिएट कर रहा है। अभी चाइना के जो है 100 साल पूरे हुए उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी बने हुए को, वो 1921 में बनी थी और अब 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो उसके चक्कर में यहाँ पर इनके द्वारा एक कॉइन इशू किया गया है, ठीक है। तो लंका जो इशू किया गया कॉइन जो चाइना का जो 100 साल कंप्लीट हुआ है, और बोला है कि चाइना जो है हमारा मोस्ट सिंसियर फ्रेंड है, मतलब इनको बेच कर ठेले पर रख दिया है, लाकर पूरी कंट्री को जो है वो बिल्कुल गुलाम बना लिया है, सारा चीज जो है वो एक तरीके से उधारी में चल रही है, तो पूरी कंट्री जो है वो यहाँ पर डेट क्राइसिस में चल रही है और इनको चाइना पसंद आ रहा है, ठीक है। ये सही लगता है, मतलब तमाचे भी मारो और ऊपर से वाह वाह भी खाओ ये अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनके ऊपर काफी एक वो नहीं कहते बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इनके फेसबुक ट्विटर गूगल जो है इनके पीछे हाथ धोकर के नहा धोकर पड़े हैं, कई सारे इनके जो अकाउंट वगैरह आप लोगों ने देखा सस्पेंड होते रहते हैं, तो उसी के चलते ये अभी उनको कोर्ट में घसीटने के चक्कर में फेसबुक ट्विटर गूगल को, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये अभी एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर। बाकी ये काफी खतरनाक आप लोग सिचुएशन बोल सकते हैं, तालिबान का जो दबदबा है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर अब जो यूएसए है वो ना ये देख रहा है क्या सही है और क्या गलत है, वो अपनी टांग खींच रहे हैं यहाँ से। तो एक काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, पूरा मैप वगैरह भी आप लोगों को दिखाऊंगा और इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इंडिया के जो प्रोजेक्ट है वो कैसे हैं, तो काफी कुछ हम लोग यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में। तो यानी कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन हमारा रहने वाला है। साइड वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये स्वेज कैनाल के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। अगर आप मैप में आप लोग देखिएगा तो ये अपनी कंट्री है यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो स्वेज कैनाल, ठीक है। तो स्वेज कैनाल जो है वो रेड सी को कनेक्ट करती है किसके साथ में, मेडिटेरेनियन सी के। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहां से आप लोग देखते हैं ये स्वेज कैनाल, ये गल्फ ऑफ स्वेज से होता हुआ यहां पर जाता है, तो स्वेज कैनाल आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं तो कई बार न्यूज में रहती है, मैक्सिमम जो वर्ल्ड का व्यापार चलता है वो इसी पर्टिकुलर कैनाल से चलता है, तो यहां पर जाकर खुलती है ये, कहां पर, बेसिकली मेडिटेरेनियन सी में। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, काफी बड़ा रोल है। एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, स्वेज कैनाल जो है वो कब ओपन की गई थी, क्योंकि पहले जो था जो अंग्रेज थे हमारे देश में आया करते थे, जब तक स्वेज कैनाल नहीं थी वो यहां से घूमकर आया करते थे इधर से होते हुए, ठीक है, यहां से आया करते थे, यहां से होते हुए नीचे को, यहां से इधर से, और यहां पर आया करते थे, फिर इनका मुद्दा जो था वो यहां से चलना स्टार्ट हो गया स्वेज कैनाल के आते ही। तो आप लोगों को बताना है स्वेज कैनाल जो है वो कब ओपन की गई थी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। बाकी हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो अभी बोला गया 10%, ये बेसिकली जो फिच ग्रुप है उसके द्वारा यहां पर ये रेटिंग दी गई है, ठीक है। तो इसको कट कर दिया, पहले इनके द्वारा 12.8 बोला गया था तो इसको कट कर दिया गया, जिस तरीके कोविड 19 की सिचुएशन देखने को मिल रही है उसके चलते इनके द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं। एक यहां पर पेगासस करके यहां पर मेलवेयर है, इसके बारे में याद रखिएगा, बोला यह गया कि भीम कोरे गांव में जो भी एक्टिविस्ट थे उनके खिलाफ जो है पेगासस यहां पर यूज किया गया था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पेगासस के बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा हल्का सा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक मॉलवेयर है जो कि बेसिकली यूज किया जाता है लोगों को, जो मान लीजिए व्हाट्सएप अकाउंट है तो उसमें पेगासस डाल दिया, तो क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर सुनती रहेगी, तो लोगों की कॉल वगैरह को टैप करने के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। आगे बात करें तो यहां पर यह सैफ अली और उसी के साथ में जो सेना है, इन दोनों को यहां पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनेट किया गया है, तो ये दोनों जो प्लेयर हैं इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एक हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर जिनका नाम है केशव दत्त, अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो गोल्ड मेडलिस्ट थे यहां पर ये, इसी के साथ में हिस्टोरिक 1948 लंदन गेम में ये टीम का पार्ट भी थे, तो ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो हॉकी के प्लेयर थे। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कई बार मैच करने के लिए, स्टेट पीसीएस के अंदर तो आप लोगों से बड़ी जल्दी पूछ ले जाते हैं ऐसे, देखिए गेम्स वगैरह के रिलेटेड जो चीजें ना बड़ी कम आती है यूपीएससी के अंदर, पर हाँ जो स्टेट पीसीएस हो गए या फिर ईपीएफओ सीडीएस इनके अंदर आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग रखिएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है, पर्सन के बारे में जैसे चीजें पूछ ली जाती है। ओके, अब एडिटोरियल देखेंगे, शानदार एडिटोरियल है। देखिए एक तो इंपॉर्टेंट बात यह कि कई बार पूछते रहते हैं कि सर पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है यहां पर, आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आज तक की सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाएगी, तो कोई भी दिक्कत हो तो यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। और कभी कोई दिक्कत आती है जैसे मान लीजिए कि एक दिन क्या होता माइक ने काम नहीं किया, कुछ और दिक्कत हो गई, तो मैं वहां पर आप लोगों के लिए वहां पर मैसेज डाल देता हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो उसके चलते आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। ये पहला जो आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल है बेसिकली 10th और 12th के एग्जाम के असेसमेंट के बारे में। अभी सीबीएसई जो एक नया पैटर्न लेकर आई, उनके द्वारा बोला गया कि अभी यहां पर नवंबर में और अप्रैल में चलकर वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे हाफ ऑफ सिलेबस के, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में है। तो राइटर यहां पर ये बोले कि काफी दुरुस्त तरीके से सीबीएसई जो है वो अपना काम कर रही है, मतलब कोई भी ऐसा एक स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रही है जिसपे यहां पर एक डिसीजन नहीं निकल सके, यानी कि हर तरीके से वो अपना काम करने की कोशिश कर रही है सीबीएसई। तो अप्रिशिएट
सेलिब्रेट किया गया, तो पहले असेसमेंट का वो आया मुद्दा, अब यहाँ पर एग्जाम की बात की जा रही है। पर लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी अगर कोविड 19 जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो ये बातें इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। जो सेकंड वाला आर्टिकल है ये फिर से पूरा यहां पर आज जो बात कर रहा है ये फादर जो स्टैन स्वामी, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसेंटली, अभी उनकी डेथ हो गई है, भीम कोरेगांव केस से वो रिलेटेड थे। तो ये माना जा रहा है कि जुडिशरी ने काफी गलत तरीके का यहां पर डिसीजन दिया, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक गलत तरीके से आरोपित बनाया गया यूएपीए के तहत, ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है हमारी कंट्री में, जिसको यूएपीए बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो उसमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी बेल नहीं होती है, और भले ही वो पर्सन जो वो बेगुनाह हो। तो यहां पर ये माना जा रहा है कि इस तरीके का प्रोविजन वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि यहां पर जो माइनॉरिटी के राइट के हक के बारे में बात करता था, और उसको कोविड 19 की बीमारी होगी, उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, खाने पीने के लिए कैपेबल नहीं था प्रॉपर, अगर चम्मच से खाना बिना खा पाए तो खा नहीं पाते थे, तो उनको स्टोव वगैरह या सिपर वगैरह मांगा गया तो वो भी नहीं दिया गया। तो ये जितनी भी कंडीशन उनके खिलाफ देखने को मिली यहां पर कोर्ट के अंदर में, तो ये फेलियर है यहां पर बेसिकली। यहां पर आज बात करें जेल के अंदर जो उनके साथ में चीजें हो रही थी, इस एज में भी इंसान को बेल नहीं दी गई और कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पर देखने को मिली। इवन इंटरनेशनल लेवल पर यूएन के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया, बोला गया कि भीम कोरेगांव के जो भी लोग पकड़ रखे हैं सबको छोड़ दो। भीम कोरेगांव क्या है, 1818 में बेसिकली, ठीक है ना, 1818 में यहां पर क्या था, जो पेशवा की जो बेसिकली आर्मी थी वो लड़ी थी ब्रिटिश के साथ में। तो पेशवा की जो आर्मी थी उसमें दलित कम्युनिटी के काफी सारे लोग थे, तो उनके जो सॉरी ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें दलित कम्युनिटी के काफी सारे लोग थे, उन्होंने पेशवा की आर्मी को हरा दिया था, तो उसके चलते वो उसको सेलिब्रेट करते थे, यहां पर सेलिब्रेट करते क्योंकि 100 साल उसके कंप्लीट हो रहे थे, तो उसके चलते काफी ज्यादा इन चीजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो तब यहां पर ये चीजें थी जो आप लोग याद रखिएगा, कई बार ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल जाती हैं जिसके चलते यहां पर ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं। ये सारा मुद्दा आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया दे रखा है, बेसिकली जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है इनके द्वारा कि जुडिशरी ने अपना काम नहीं किया है, खासकर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था वहां भी जुडिशरी जो है वो चुप रह गई, ठीक है। जहां जहां पर भी जुडिशरी को बोलना चाहिए जुडिशरी नहीं बोल रही है, हमारे हक को जुडिशरी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। जुडिशरी का जो काम है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी गवर्नमेंट को गाली दी गई है, ठीक है, गाली नहीं मतलब इन डायरेक्ट वे में क्रिटिसाइज किया गया गवर्नमेंट को कि किस तरीके से काम कर रही है। तालिबान के बारे में आर्टिकल है, काफी डिटेल में समझेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली इसराइल के बारे में है। तो इसराइल में आज के डेट में जो प्राइम मिनिस्टर यहां पर ये है, यहां पर नफ्ताली बेनेट, तो नाम याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज में होती है। आप लोगों ने अगर ईपी, आप लोगों ने अगर उसके जो असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर देखे होंगे सीडीएस के, तो उनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर थे पहले यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू, तो 12 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे यहां पर इसराइल के अंदर, अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अगर बात करें इसराइल के बारे में, तो इसराइल जो है आज के डेट में ये सारा येलो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये बच्चा कुछ हो गया पैलेस्तीन, तो पैलेस्तीन की कहानी खराब है आज के डेट में इसराइल के सामने। तो जिस तरीके का पैटर्न था यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का, तो सबके बस की वो बात नहीं होती है चीजों को संभाल कर चलना। हालांकि आइडियोलॉजी दोनों की एक जैसी है, ये भी ज्यूस के लिए काम करते थे, ये भी ज्यूस के लिए काम करते हैं, पर फिर भी इनकी जो गवर्नमेंट चल रही है वो एक गठबंधन की सरकार चल रही है, और इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ में आ गई कि कोई सी भी अगर ढीली पड़ी तो इनकी गवर्नमेंट गई। तो इसके चलते अभी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है इसराइल के अंदर। तो बात यही की जा रही है कि आज की डेट में अगर बात करें तो इसराइली सोसाइटी काफी लार्ज स्केल पर डिवाइड हो चुकी है, और काफी लार्ज स्केल पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने 12 साल तक एक धागे में पिरोए रखा, ये चीजें यहां पर अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये बातें यहां पर बोली गई, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पर हाँ हल्का सा पता होना चाहिए कि कर क्या रहा है बातें। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी फर्टिलिटी रेट है, और वुमेन के हक होने चाहिए पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो। ये नीचे वाला आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, माइग्रेंट लेबर के लिए क्या हमारे देश में किया जा रहा है उसके बारे में आर्टिकल है, इसके बारे में समझेंगे। ये आर्टिकल वैसे तो बात कर रहा है बेसिकली यहां पर राजस्थान, बेसिकली बात कर रहा है हरियाणा के बारे में, पर लेकिन जो टॉपिक डिस्कस कर रहा है वो है नीति आयोग, नीति आयोग से रिलेटेड यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके बारे में, तो वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यहां पर आप लोगों के सामने है डेटा पॉइंट, कहां कहां पर कितने केस आ रहे हैं, कौन सा वेरियंट कितना फैल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में भी बन सकता है। हाउ रिसेंट डोमिन
कॉम्बिनेशन ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान विल इंपैक्ट इंडिया इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, तो क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान में तालिबान का डोमिनेशन बढ़ रहा है तो हमारी कंट्री के जो इंटरेस्ट है उस पर ये कैसे इंपैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए अपनी कंट्री के साथ में, अगर कंपेयर करेंगे तो लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन जो सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है आप लोगों को नजर आएगा, अकलौती कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो अभी फिलहाल हम लोग इसको बोल रहे हैं, एक टाइम पर जब ये इंडिया का ही पार्ट था तो अफगानिस्तान काफी बड़ा पोर्शन था हमारा। आज के डेट में अगर बात करें ऑफिशियल मैप के हिसाब से तो अफगानिस्तान हमको टच करता है। तो कोई पूछे एग्जाम में कि अफगानिस्तान इंडिया का बॉर्डर टच करता है, जी हाँ बिल्कुल टच करता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये पाक ऑक्युपाइड एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है। हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि अफगानिस्तान में काफी शांति बनाकर रखी जा सके, काफी कुछ हम लोगों ने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी चलाए अफगानिस्तान के अंदर में, तो इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर बात देख सकते हैं आप लोग, हमने इनकी पार्लियामेंट भी बनाई थी, 75 मिलियन के करीब डॉलर लगाकर यहां पर, 109 मिलियन के करीब लगाकर यहां पर ये सलमा डैम आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर देलाराम डैम, याद रखिएगा ये अफगानिस्तान के अंदर, ये भी इंडिया के द्वारा हेल्प की गई इसको बनाने में। इसी के साथ में कनेक्टिविटी की कोशिश की गई कई सारे एरिया में, तो रोड वगैरह डेवलपमेंट का भी काम किया गया काबुल के एरिया में। तो ये इंडिया के द्वारा, ये तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा दुनिया भर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में चलाए गए। तो अफगानिस्तान में अगर शांति रहेगी तो इंडिया ये सोच रहा था इससे हमारी कंट्री के ऊपर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान को हम लोग झेल रहे हैं पड़ोसी देश, अगर अफगानिस्तान में भी यहां पर तालिबान आ जाता है तो कल को जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान में तालिबान है और तालिबान पूरा पाकिस्तान के हिसाब से चलता है, तो हमारे लिए और ज्यादा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट कर रहे थे। और इसी के साथ में ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट है, याद रखिएगा ईरान के अंदर जो चाबहार पोर्ट है, ये पोर्ट बंदरगाह जो है ये इंडिया के द्वारा यहां पर हेल्प की गई थी इसको डेवलप करने में, और पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना हेल्प कर रहा था, तो इसको टैकल करने के लिए और इसी के साथ में इसमें यहां पर कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए अफगानिस्तान में काफी बड़ा काम हमारे द्वारा किया जा रहा था। पर फिलहाल के टाइम पर आज के में ना तो ईरान हमारे हाथ में रहा और ना ही अफगानिस्तान हमारे हाथ में रहा, दोनों निकल गए, तो इसके आने वाले टाइम में एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल सकता है। तालिबान अगर 2017 में आप लोग देखिए तो 2017 के एयरफेयर में जो तालिबान का कंट्रोल था ये यहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये मैक्सिमम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये सारा रीजन, और तालिबान का जो कंट्रोल एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा ये था जो ब्लैक ब्लैक है, काफी कम है अगर देखा जाए तो। पर लेकिन 2020 में जहां जहां पर भी डार्क आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये सारा डार्क एरिया यहां पर ये तालिबान के कंट्रोल में है, और बाकी एरिया में तालिबान अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो ये बच गई है गवर्नमेंट, यानी कि आज की डेट में तालिबान जो है वो पूरा यहां पर कंट्रोल कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल समझिए कि गवर्नमेंट की कहानी खत्म होने वाली है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी जान बचाकर इधर उधर चल रही है। तो उसी के चलते कि जिस तरीके से तालिबान अभी उभर कर सामने आए, तो जिस तरीके से तालिबान के अंदर ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या सही है और क्या गलत रहे उसके बारे में एक एनालिसिस यहां पर किया गया है। तो अपनी कंट्री के साथ में लोकेशन जरूर याद रखिएगा। अगर बात करें तो यहां पर ये पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज ये याद रखिएगा, आज के में पाक ऑक्युपाइड एरिया लगभग 30% के करीब पार्ट यहां पर है, और इसी के साथ में 10% के करीब चाइना कंट्रोल में और 60% के करीब हमारे पास में है। तो ये जो यहां पर ये वाला एरिया है ये यहां पर अफगानिस्तान के साथ में कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में टैकल कर रहे हैं। तो ये यहां पर ये बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं। अफगानिस्तान को टच कौन कौन करता है, तुर्कमेनिस्तान, नॉर्मली देखा जाए तो यहां पर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहां पर हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया ईरान। तो ये ऑर्डर टच करता है अफगानिस्तान को। अफगान अफगानी इसकी जो है बेसिकली करेंसी है, काबुल इसकी कैपिटल और साउथ एशिया की ये कंट्री होगी। अब यहां पर बात करेंगे आर्टिकल के अंदर क्या क्या बात की जा रही है। देखिए तालिबान जो है वो काफी लार्ज स्केल पर अपना दबदबा बना रहा है अफगानिस्तान के अंदर। लगभग 2 महीने के अंदर जब से यूएसए के निकलने की बात की गई और यूएसए ने चीजों को खाली करना स्टार्ट किया, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सदमे में आ गई, और इसी के साथ में मैक्सिमम एरिया में जो रीजनल एरिया में अगर बात की जाए तो काफी लार्ज स्केल पर जहां पर पहले से कुछ स्टेबिलिटी भी थी वहां पर भी अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो अब वरी की कैटेगरी में आ गए, टेंशन की कैटेगरी में आ गए। तालिबान के द्वारा स्टार्ट किया गया लेटेस्ट जो अपनी ये एक महामारी है, ये इनके द्वारा 1 मई से स्टार्ट की गई कि हाँ पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लो। जैसे ही यूएसए ने बोला कि वो अपने लोगों को यहां से निकाल रहे हैं, तुरंत यहां पर ये हरकतें स्टार्ट हो गई। जो बाइडन के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं इसी हालत में बिल्कुल अफगानिस्तान को छोड़कर जाना, ये एक लीडर वाले तो डिसीजन कम से कम नहीं है, ठीक है, जो आज के डेट में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 90% यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो विड्रॉ कर चुके हैं, तो इसके चलते 407 जो डिस्ट्रिक्ट हैं अफगानिस्तान में उसमें से 195 पर ऑलरेडी तालिबान का कंट्रोल है, और 129 जो हैं उनमें वो कंट्रोल करने की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो पूरा अफगानिस्तान जो है लगभग 350 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो जल्दी ही तालिबान के कंट्रोल में आ जाएंगे। और जैसे ही तालिबान के कंट्रोल में आए फिर देखने वाली बात ये होगी कि तालिबान इसको कैसे चलाने वाला है, और ऐसा नहीं है कि तालिबान पहली बार यहां पर रूल करने वाला है। अगर
बात करें पहले भी यहां पर तालिबान जो है 1995 के करीब में यहां पर रूल कर रहा था, पर लेकिन उस टाइम पर जो इसका रूल था वो इतना खतरनाक था, बिल्कुल कट्टरपंथी वाला रूल फॉलो करते थे, वुमेन को जरा सी भी इजाजत नहीं थी सोसाइटी में, बिल्कुल एक तरीके से उन्हें पैट्रियारिकल सोसाइटी और उसमें भी इस्लाम को ध्यान में रखते हुए वे बेसिकली लेकर चले थे, पर लेकिन इस्लाम में कहीं पर भी ये सारी चीजें थी किसी भी धर्म में मार काट नहीं बताते हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि मिलजुल कर रहो, पर लेकिन उसका गलत तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन अगर रिलीजन का किया जाता है तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो तालिबान जो है अभी यहां पर अगर बात करें बहुत सारे एरिया को अपने कंट्रोल में ले रहा है, यहां पर नॉर्थ प्रोविंस के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो पहले अगर तालिबान के कंट्रोल में नहीं थी, पहली बार तालिबान को रूल कर चुका है, तो फिर से अब तालिबान के कंट्रोल में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अब अफगानिस्तान के जो ट्रूप्स हैं कुछ तो अपना आत्मसमर्पण करके बैठ गए कि भैया ले हमारे बस की बात नहीं है, जो बच्चे कुछ थे वो पीछे हट गए, उनको ये लग रहा है कि कोई मतलब ही नहीं यहां पर लड़ने का क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो बुरी कंडीशन है आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर, तो देखने वाली बात यहां पर ये होगी कैसे चीजों को यहां पर कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स की कैटेगरी में चल रही है, जल्दी ही अगर यही सिचुएशन चल रही है तो अफगानिस्तान की खस्ता हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छा आंसर दिया गया यहां पर, ये जो मैंने आप लोगों से पूछा था हार्ट ऑफ एशिया के बारे में, ठीक है, तो हार्ट ऑफ एशिया की जो 9th कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी वो कहां पर देखने को मिली थी, देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन में पूछता हूं ना आप लोग उनको लिख भी लिया कीजिए एक जगह, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट आप लोगों से कई बार एग्जाम में ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों से जो खासकर न्यूज में होते हैं, तो 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहां पर, तजाकिस्तान में, तो ये अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर लानी है उसके लिए थी ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए सुनीता प्रसाद के द्वारा, काफी अच्छे से डिटेल में जो सारे क्वेश्चन मैंने पूछे थे, जो यहां पर जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया था उसका आंसर अच्छे से दिया इनके द्वारा 1 जुलाई को, ठीक है। इसी के साथ में जो मैंने पूछा था कि अभी कौन यहां पर जो चेयरमैन है, अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो इसी तरीके सारे अच्छे आंसर उनके द्वारा दिए गए, तो आप लोग भी इसी तरीके से आंसर दिया करो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक बार उनको जाकर सर्च करोगे ना खुद से तो एग्जाम में बैठे बैठे चीजें याद आ जाएंगी, पर लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि चीजों को सर्च करने की थोड़ा सा और अपनी कॉपी में लिखा करो उनको। अभी कोलैप्स अगर हो जाती है तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी, तो जो भी कैपिटल्स जो सिटी है वो थोड़ी बहुत आज को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बाकी तालिबान के कंट्रोल में सब कुछ आता जा रहा है, ठीक है। उसके आसपास में तालिबान सराउंडेड होगा, तो आने वाले टाइम में मैक्सिमम चीजें तालिबान के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम अगर बात की जाए तो यहां पर जहां जहां से भी फॉरेन ट्रूप आउट हो रहे हैं वहां वहां पर तालिबान जो है उनका अचीवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि तालिबान जो है अभी यहां पर कंट्रोल करने वाला है कंप्लीटली, पर इंटरेस्टिंग बात है तालिबान की कोई स्ट्रेटजी क्लियर नहीं चल रही है। जब दोहा में बात करने के लिए पहुंचे थे यहां पर सितंबर 2020 में, तो उनके द्वारा बोला गया था कि हम लोग कहीं पर भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ वहां पर मारामारी काटा नहीं करेंगे, पर लेकिन वो सारी चीजें जो है इन्होंने साइड में रख दी, इन्होंने बोला एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, और ये वर्ल्ड वॉर 3। मिस्टर रस्तोगी तू तो गया, ठीक है, थर्ड स्टेप थ्री रेट में डायलॉग मारता है वो, तो वही वाली बात यहां पर चल रही है। तो अभी बैटल की बात करें अफगानिस्तान के अंदर तो ये कंटिन्यू रहने वाली है जब तक कि यहां पर सारी टेरिटरी ये कैप्चर नहीं कर लेते हैं। और अगर बात की जाए यहां पर यूएसए ने 20 साल तक रूल करने के बाद भी, उन्हें कहते हैं कि बाद में जो है यहां पर बिल्कुल एक तरीके से बेइज्जती कराकर बाहर जा रहे हैं, और उसके बाद भी कम से कम सुधार के तो जाते, अब सुधार के भी नहीं जा रहे हैं, 20 साल तक यहां पर रहे और 20 साल में क्या किया, नाक रगड़ी और घुटनों के बल निकलकर यहां पर जा रहे हैं। तो यूएसए और तालिबान के बीच में जो भी साठगांठ हुई है उस साठगांठ का कोई रिलेशन नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई पीस सेटलमेंट लेकर आना है, यहां पर कोई शांति बनाकर रखनी है, उन्होंने बस ये कोशिश की कि अपना टंडा बोरी उठाओ और निकल लो, बाकी जो होता रहेगा वो देखते रहेंगे यहां पर चाइना पाकिस्तान इंडिया या फिर रसिया। तो देखते हैं कौन कौन क्या देख पाता है, बाकी यहां पर देखिए कुछ तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर रियलिटी में तालिबान को भी यहां पर चाहते हैं कि तालिबान यहां पर अपना कंट्रोल बनाकर रखे, तो इनको भी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे में काम करना पड़ेगा, इलेक्शन विलेक्शन के राइट दो, इलेक्शन लड़ो, चुनकर आओ, नेता बनो, एंजॉय करो, ठीक है, तो वो वाली चीजें इनको करनी पड़ेगी, वरना ऐसे यहां पर काम चलने वाला है नहीं अगर ढंग से देखा जाए तो। अभी बात करें तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि यहां पर तालिबान पर प्रेशर बनाने के बजाय यूएसए ने उनके साथ में डील किया, तो उसने काबुल यानी कि अफगानिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, उसका बेसिक पर्पज यह था कि हम लोग यहां से निकले बाकी जो होता रहेगा होता रहेगा, तो अमेरिका जो है वो यहां से कंप्लीटली पुल आउट कर रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर आने वाले टाइम में नॉर्मल सी बात है कि तालिबान को कोई रोकने वाला है नहीं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में इतना दमखम है नहीं है, तो अब यहां पर जो रीजनल पावर है जैसे कि चाइना रसिया ईरान पाकिस्तान इंडिया, तो ये चाहेंगे कि यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, पर लेकिन कैसे ईरान के यहां पर तालिबान के साथ में से यहां पर ये किस तरीके चीजों को लेकर चलेंगे, तो हालांकि इनके हाथ में क्योंकि चाइना जो है वो पूरा पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखता है, पाकिस्तान जो है तालिबान को अपने कंट्रोल में रखता है, तो आने वाले टाइम में चीजें नॉर्मल तो हो सकती हैं, पर लेकिन तालिबान अगर ढंग से काम नहीं करेगा, अगर 1996 वाला ही हिसाब वो लेकर चलेगा कि हां लोगों को सप्रेस करना है वो सारी चीजें, एक देश के हित के बारे में नहीं सोचेगा, तो कहां से पैसा आएगा, कहां से काम चलेगा? देखिए तब लोग कंट्री इन्वेस्टमेंट करेंगे, आकर यहां पर काम होगा, बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो इनके पास में पैसा भी आएगा, वरना अपने घर में मार मार के काट काट कर कब तक जी पाओगे, पता चला घर में
कोई जॉब करने वाला नहीं है, सारे जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का पैसा छीन रहे हैं, कितना पैसा उनके पास, सारे तो बेरोजगार है तो कैसे काम चला लोगे। तो इस तरीके की बातें आप लोग देख सकते हैं यहां पर। तो ना यहाँ पर पर्टिकुलर कोई चीज है ढंग से, ना कोई यहाँ पर इकोनॉमी है, ना कोई यहाँ पर ऐसा कि रिसोर्सेज है तुम्हारे पास में बहुत सारा उनको निकाल रहे हो आप, तो बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें इंटरनेशनल जो लेजिटिमेसी, अगर इनको बरकरार रखनी है तो ये जो खून की नदियां बह रही हैं तो वो इनको रोकनी पड़ेगी, ठीक है। वन पार्टी रिजीम जो है यहाँ पर अगर बात करें, मुजाहिदीन और तालिबान जो है पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका है अफगानिस्तान, तो फेल हो चुके थे यहाँ पर कंट्री को स्टेबलाइज करने में, और इसी के साथ में लॉन्ग टर्म तक ये चीजें चलने वाली भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म तक अगर चलना है यहाँ पर, जैसे ही ट्रूफ्स निकल कर जाते हैं तो इनको सेटलमेंट कैसे करना है, कैसे एक पावर स्ट्रक्चर लेकर आनी है, और कैसे यहां पर चीजों को नॉर्मल करना है ताकि गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए, तो एक फिर से वायलेंस की साइकिल में नहीं घुसना है, तो ही यहां पर चीजें शांत हो सकती है। इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में और हमारे डेवलपमेंट के जो काम किए गए उसके लिए यहां पर यह शांति रहना काफी जरूरी है, वरना दो कंट्री बिल्कुल एक ही कैटेगरी की हो जाएंगी तो इंडिया को भारी पड़ जाएगा। पूरा ये वेस्टर्न फ्रंट है, इसी के साथ में चाइना इधर से भारी पड़ ही रहा है, ठीक है। नीचे श्रीलंका चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, तो चारों तरफ से चाइना के कंट्रोल में चीजें आती जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछता हूं उसका आंसर जरूर दिया कीजिए, जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये वुमेन के बारे में बात करें, उनके हक के बारे में बात करें, यहां डालना भूल गया कौन सा एग्जाम में आएगा, सोसाइटी में आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। सोसाइटी का जो सेक्शन होता है पेपर फर्स्ट में, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, हेल्थ में भी आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं पेपर सेकंड में, ठीक है। तो ये कई जगह देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, आप लोग ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पेपर में उसको रख सकते हैं, हेल्थ में क्वेश्चन बन जाएगा, वुमेन की हेल्थ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से पैट्रियारिकल सोसाइटी है, यहां पर वुमेन को क्या राइट दिया जाते हैं, तो पेपर फर्स्ट में आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एथिकल अगर इशू आगे वुमेन से रिलेटेड कोई, तो आप लोगों से पेपर फोर्थ में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कितना देखने को मिल रहा है और वुमेन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर सकती, तो ये पेपर थर्ड में आप लोग का आ जाएगा। तो कोई भी टॉपिक कहीं पर भी आ सकता है, उसका एंगल चेंज करकर कि किस एंगल से वो टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूपीएससी का सिलेबस तो दे रखा है पर लेकिन टॉपर जो टॉपिक है वो ओवरलैप है, इसलिए टॉपिक को इंटरलिंक करना आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर भी बन सकता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी आप लिख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन संविधान कैसे चल रहा है, पेपर सेकंड में आ गया। सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पेपर फर्स्ट में आ गया। किस तरीके से उनके हक राइट खत्म हो रहे हैं वहां पर, एथिकल इशू क्या चल रहे हैं, पेपर फोर्थ में आ गया। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी कैसे चल रही है, पेपर थर्ड में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, पेपर थर्ड में आ गया। तो अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो पेपर को इंटरलिंक करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये चीजें जरूर आप लोग सोचकर चलिए, यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होगी। अब वुमेन के बारे में बात करते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कोविड 19 के चलते जो कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, तो उसमें हम लोग समझ गए कि जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, उतना ढांचागत विकास हमारा नहीं है। कोविड 19 पेंडेमिक ने काफी कुछ यहां पर दिखा दिया, क्या क्या ट्रबल सामने चल रहे हैं, और कंटिन्यू इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा। तो आने वाले टाइम में यह बोला जा रहा है कि जो डेमोग्राफिक है, हम लोग उसके स्वीट स्पॉट में चल रहे हैं। स्वीट स्पॉट में क्या मतलब, यानी कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी 29 ईयर के नीचे है, तो एक यंग और एक स्टेबल पॉपुलेशन आप लोग बोल सकते हैं। अगर इनको हम लोग प्रॉपर जॉब प्रोवाइड करा इस यंग यूथ को, तो इकोनॉमी में फायदा होगा और सोसाइटी में काफी प्रोग्रेस होगा। पर लेकिन अगर ये हम लोग नहीं कर पाए तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इतनी यंग पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम आज के डेट में देखिए सारे जो लोग हैं जो आज के डेट में 29 ईयर के नीचे हैं, तो जो एज होती है यहां पर लगभग 25 से लेकर अगर आसपास में आप लोग बात कर लीजिए, इसमें लार्ज स्केल पर शादियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर यहां पर कई सारी ऐसे इश्यूज बन जाते हैं, खासकर लड़कियों के साथ में अगर बात की जाए, अगर लड़की की जो एज है उसकी कम है, उसकी शादी कर दी, ठीक है, पता चला बच्चा होना है आगे चल के, तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली जाती है। तो दुनिया भर के ऐसे केस होते हैं जिसमें मां की भी जान जा रही है और बच्चे की भी जान जा रही है। तो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ राइट है उसके बारे में भी यहां पर स्पेशली पता होना चाहिए, जिनके बारे में नॉर्मली हम लोग बात नहीं करते हैं। अगर डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग को पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज करना है उसके बारे में बात करें। तो यहां पर हमारी कंट्री में टोटल फर्टिलिटी जो रेट है, यानी कि अगर टोटल हम लोग डिवाइड करें कितने बच्चे हैं कितनी महिलाएं, उसमें अगर बात करें देश के अंदर में, तो फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.2 है, यानी कि एक महिला के हिस्से में 2.2 बच्चे आते हैं। ये बेसिकली अलग अलग है ना, एक ऐसा तो है कि बिल्कुल क्लैरिटी है। तो यहां पर ऐसा रहता है कि किसी को दो बच्चे हैं, किसी को तीन है, किसी को चार है, तो उसको फिर
उसी के बेस पर यहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट निकाल लेते हैं तो ये घटने वाला है आने वाले टाइम में 2.1 होने वाला है। तो बोला ये जा रहा है कि नेशनल जो एवरेज है 2.2 चिल्ड्रन जो वुमेन के पास में, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गांव वाले एरिया में खासकर महिलाएं हैं, ठीक है, उसमें उसके कंपेयर में अगर बात करें खासकर उनमें आप लोगों को ये ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा बच्चे वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जहां पर फॉर्मल एजुकेशन कम है, यानी कि ज्यादा एजुकेशन नहीं है और जहां पर पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, नॉर्मली ये देखने को मिलेगा। अगर रियलिटी बताई जाए तो हमारी कंट्री में अबॉर्शन जो है दुनिया भर के कराए जाते हैं। अगर यहां पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसके चलते सिचुएशन ये बन जाती है कि मैक्सिमम जो एक तरीके से गरीब सेक्शन है सोसाइटी का वो चेक नहीं करा पाते कि लड़का है या लड़की है, तो इसकी वजह से वहां पर लड़कियां ज्यादा हो जाती हैं, नॉर्मली बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों को जो ऊंची सोसाइटी में नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम लड़की देखने को मिलेगी ऊंची सोसाइटी में। अगर आप लोग आज के डेट में जाकर देखें सबके लड़के लड़के होते हैं, गिना चुना कोई आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन है यहां पर आज के डेट में, पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा बदतमीजी आज के डेट में सोसाइटी के अंदर काट रहे हैं अगर ढंग से देखा जाए तो। इंडिया पॉपुलेशन की बारे में बात करें तो एक स्टेबलाइज स्ट्रेटजी की ओर हम लोग को चलना चाहिए, तो उसमें अगर चल रहे हैं तो वुमेन और गर्ल्स के राइट के बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कोई फैमिली प्लानिंग करनी है, लड़का होना है लड़की होना है, उसको साइड में रखकर बच्चा रखना है या नहीं रखना है, ये वुमेन से भी पूछना चाहिए जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, पर लेकिन उससे पूछते नहीं है। तो जो औरतों के राइट है उनको हम लोग साइड में रख देते हैं, उनकी जो चॉइस है हेल्थ से रिलेटेड उनको हम लोग साइड में रख देते हैं। इसी के साथ में प्रेगनेंसी रखनी है उसको किस तरीके से लेकर चलना है वो उनका हक होना चाहिए, उनका शरीर है उसको हम लोग नहीं देखकर चलते हैं, ठीक है, वो वहां पर सास ससुर के हिसाब से चीजें चलती है मैक्सिमम टाइम। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर नॉर्मली हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक तरीके से जो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी है अगर डिलीवरी उसकी होनी है तो एक स्किल्ड अटेंडमेंट होना चाहिए वहां पर, कोई भी डॉक्टर वगैरह तो स्किल्ड होना चाहिए, तो वो भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो अभी क्या हुआ कोविड-19 के चलते ये सारी चीजें सामने आ गई कि वुमेन जो खासकर प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी यहां पर जब बात करें इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, तो कैसे सॉल्यूशन निकालना है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के जो इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कि हेल्थ सिस्टम में किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो वुमेन और गर्ल्स को अलग से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए एक्स्ट्रा हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम तो चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारे प्रोग्राम, पर सोसाइटी में आज की डेट में भी अगर आप लोग बात करिए कहीं ना कहीं वुमेन के जो राइट है वुमेन के जो हक है वो उनको प्रॉपर वे में हम लोग नहीं दिला पाते हैं, ठीक है। सोशल नॉर्म्स के अंदर हम लोग को चीजें ध्यान से रखनी पड़ेगी। अभी बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है, अगर 1 लाख महिला जो बच्चों को जन्म देती है उनमें से जो महिलाओं की डेथ हो जाती है तो 1999-2001 के एयरफेयर में ये 327 हुआ करती थी, अब घटकर 113 आ गई है, तो चीजें बढ़ी तो हैं। ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत डेटा सामने निकल कर आया, पर लेकिन आज की डेट में भी अगर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के करीब जो एडोलेसेंट गर्ल हैं 15 से लेकर 19 के बीच में वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि मैक्सिमम जो लड़के हैं आज के डेट में भी देखने को मिलेगा कि बच्चों की शादी बड़ी जल्दी कर दी जाती है, तो इसके चलते कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी देखने को मिल जाती है। और देखिए दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी बात जो यहां पर आज के डेट में अगर देखिए जो माँ बाप है मैक्सिमम माँ बाप आप लोगों को देखते हैं कि लड़कियों को रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि शादी कर दो और पीछा छोड़े बस अपना फिर अपना घर गृहस्थी देखो फिर लड़के के ऊपर ध्यान देंगे पढ़ाई करा लेंगे, ऐसा माहौल है सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम जगह। लड़की को ये नहीं कि लड़की को उसके पैरों पर खड़ा कर दे, अगर शादी जो है उसकी मान लीजिए आप लोगों ने 18-20 साल में कर दी, ठीक है, पता चला उसकी जॉब नहीं लग रही है, आगे चल के क्या होगा, बस बच्चे पैदा होंगे घर चलाएगी उसके अलावा और क्या कर लेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। अगर उसकी जॉब एक बार हो जाए तो कल को क्या कंडीशन बनती है, हस्बैंड की डेथ हो जाए परिवार में कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन जाए घर तो थाम पाएगी, घर नहीं थाम पाएगी तो अगर बच्चों को तो पढ़ा पाएगी अपने आप को तो थाम पाएगी वरना दुर्गति हो जाएगी। पर लेकिन पेरेंट्स जो है उस चीजों को ध्यान में नहीं रखते हुए बस एक अलग ही माहौल रहता है कि बस बेटों की बच्चों की शादी हो जाए, तो इसके चलते काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहां पर एक प्रोग्राम होना चाहिए कि कैसे यहां पर प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, फिर उसको टर्मिनेशन के लिए जाते हैं तो इधर उधर उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलने लगती है। तो काफी सारी जो यंग वुमेन है उनको जो शादी कर दी जाती है उनके करियर बनाए बिना, तो तब ये दिक्कत देखने को मिलती है। इंडिया की अगर बात करें हम लोग 156 कंट्री में 140 पर हैं, तो 28% हम लोग फिसल गए क्योंकि वर्स परफॉर्मेंस हमारी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर एरिया में जिसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारी रैंक 140 है याद रखना, और किसके द्वारा ये रैंक तैयार की जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एंबिशियस जो यहां पर टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहां पर बात की जाती है। इसी के साथ में रिड्यूस इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को जो भेदभाव मिटाना है तो उनको अचीव करने, तो कैसे अचीव करेंगे अगर ढंग से काम लेकर नहीं चलेंगे। तो पहले हम लोग को जो यूथ जो वुमेन जो गर्ल्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पॉलिसी अगर बना रहे हैं तो उनका ध्यान रखें, एजुकेशन दे उनको स्किल दे उनको इंफॉर्मेशन एंड सर्विस उनको रहनी चाहिए कैसे उनको एम्पावर करना है उनके हक क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर साथ में लेकर चलेंगे तभी चीजें सुधर पाएगी। जिस तरीके के पैटर्न में चल रहे हैं
इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये बेसिकली बोलने की कोशिश की गई है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल, जो याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, माइग्रेंट जो बेसिकली वर्कर है उनके बारे में बात की जा रही है। अरे ये लाइन हटा देना ये माइग्रेंट वर्कर के बारे में तालिबान वाली आ गई माइग्रेंट वर्कर बन गए तालिबान। गाइडलाइन यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए डेटा तैयार करने हैं। तो ये 29 जून को ये आर्टिकल आया, तो इनके द्वारा बोला गया था कि 31 जुलाई तक बोला गया कि डेटा तैयार करना है कि माइग्रेंट वर्कर कौन कौन है, ठीक है। तो उनके लिए बोला गया कि डेटा तैयार करना था, इसके लिए बेसिकली ये बोला गया था कि नेशनल डेटा फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर ये 31 जुलाई तक आप लोगों को तैयार करना है। पर लेकिन देखते हैं अभी कितना हो पाता है। तो कई सारे लैंडलेस लेबरर हैं उनको देखना पड़ेगा, जॉब अपनी खो चुके हैं उनको देखना पड़ेगा। तो मैटर जो है वो काफी गंभीर हो गया था जब यहां पर हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगाया गया, तो उसके चलते काफी बुरी कंडीशन देश के अंदर देखने को मिली। जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंपोनेंट है यहां पर कि माइग्रेंट को जो प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले तो बोला गया ट्रेवल एग्रीमेंट करो। अगर कोई कहीं जाना चाहता है तो ट्रेवल के लिए अरेंजमेंट करो उनके लिए कि अपने राज्य में जाना चाहता है, दूसरे राज्य में पड़ा हुआ है उसके घर जाना है तो उसको घर भेजो। दूसरा खाने का उसका जुगाड़ करो कि खाना पीना क्या करना है। और 31 जुलाई तक आप लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट करना है ताकि खाना पीना मिल सके। और कम्युनिटी किचन जैसे कि लंगर वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वो भी आप लोगों को काम करना चाहिए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है यहाँ पर पहले वाले में, माइग्रेंट वर्कर इधर उधर घूम रहे हैं कहीं जॉब के लिए कहीं कुछ, तो कम्युनिटी किचन वगैरह चलाना ये आसान काम नहीं है। इसी अगर बात करें यहाँ पर इनका ढांचा अगर एक तरीके चीजों को लेना तो वो किस तरीके से कर पाएंगे, थोड़ा टफ यहाँ पर हो जाता है। पर लेकिन फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी बोला कि आप लोग क्या करो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि इनको आप लोग पैसा प्रोवाइड करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी उसके लिए डिसाइड नहीं किया, तो देखते हैं कब तक डिसाइड करते हैं। तो आर्टिकल 21 जो है, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट थर्ड के अंदर, तो आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। राइट टू लाइफ जो है राइट टू फूड भी देते हैं, अगर फूड नहीं होगा तो लाइफ कैसे होगी, इंसान मर जाएगा, तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर हमारी कंट्री में बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है जो कि हमारे देश में देखने को मिलते हैं, वो यहां पर बेसिकली सबको खाना प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत भी यहां पर इनको प्रॉपर वे में वो सपोर्ट करना चाहिए। पर ये सारे काम तब होंगे जब डेटा होगा। आपको पता ही नहीं कितने माइग्रेंट वर्कर हैं, गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल देता कि हम लोगों को नहीं पता है माइग्रेंट वर्कर कितने हैं, तो फिर कैसे करोगे। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखो, पहले डेटा लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली यहां पर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली वो एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि ऐसा होना चाहिए, पर मैंडेटरी नहीं करा। अगर मैंडेटरी हो जाता कि गवर्नमेंट को करना ही करना है तो ही चीजें हो पाती। अब किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसको कोई देख ही नहीं रहा है, तो ये सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। तो मुद्दा यह है कि एक तरीके चीजें बोल दी गई हैं कि हां ऐसे करनी है और हो जाएंगी, पर लेकिन उसको करने में और होने में उसमें देखना पड़ेगा कितना होना और करना है, वो भी तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये मुद्दा काफी बड़ा बन जाता है यहां पर, ठीक है। ये छोटा सा आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये पूरा जो आर्टिकल इनके द्वारा बनाया गया है ये हरियाणा के बारे में बात करें कि हरियाणा में ये बढ़ रहा है, हरियाणा में वो घट रहा है, पर लेकिन आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो सस्टेनेबल जो गोल है उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा यहां पर, ठीक है। तो सस्टेनेबल जो इंडेक्स है ये आप लोगों से याद रखिए किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। तो हमारी कंट्री में ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें अभी बोला गया कि यहां पर अगर पॉवर्टी के बारे में बात करें, जीरो हंगर के बारे में, गुड हेल्थ के बारे में, ये सारे, तो तमिलनाडु, केरला, गुजरात इनके द्वारा टॉप किया जा रहा है। ये टॉप राज्य है जिनने इनके द्वारा टॉप किया कौन कौन से गोल के अंदर, तो ये वाले गोल यहां पर बताए गए हैं। हरियाणा को इनके द्वारा ये बोला गया कि हरियाणा की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बुरी देखने को मिल रही है, जबकि हरियाणा एक अच्छी कैटेगरी में आता है। तो बोला गया कि हरियाणा के अंदर काफी सारे जो इंडेक्स है उनसे तो बेटर यहां पर त्रिपुरा के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। त्रिपुरा भी काफी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, पड़ोसी राज्य जो है यहां पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पर हरियाणा काफी पीछे रह गया। तो हरियाणा में जो बेसिकली डिवाइड है, काफी ज्यादा डिविजन देखने को मिल रहे हैं, पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पर ये इंडेक्स जिसके द्वारा तैयार किया था नीति आयोग के द्वारा वो जरूर याद रखिएगा, जिसमें केरला के द्वारा टॉप किया गया था रिसेंटली अभी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो यहां पर इसका जो आंसर है, इसका आंसर है यहां पर यह आर्टिकल 23। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का जो काम करता है यह आर्टिकल 23 करता है। आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग जाएंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है उसके बारे में बात करता है। कुछ भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में स्लेवरी या देवदासी जो बना दी जाती थी पुराने टाइम में, वो सारी चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। और हमारी कंट्री में इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट भी है 1956 का, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहां पर आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 24, ये जरूर याद रखना, ये बेसिकली चाइल्ड लेबर को रोकने का काम करता है।
करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर मैंने पोलिटी में एक पूरा लेक्चर बना रखा है, तो उसको आप लोग देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बाकी जो आंसर है यहाँ पर, इसका आंसर है बी, आप लोगों को अटलांटिक क्वेश्चन में बेसिकली ये आइलैंड देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया, यहाँ पर हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ पर हो गया अफ्रीका, इसके बीच में बीचों बीच में आप लोगों को ये आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में लेक्चर कैसा लगता है वो जरूर बताना, और डेली लेक्चर का टाइम आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।